है। ये जो इलाका है अभी जहाँ पे हूँ इसको बोला जाता है थिएनमेन, यहीं पे परेड वगैरह होता है यहाँ का। हेलो गाइस, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यार अभी तो फिलहाल मैं योगा सेंटर से बाहर निकल रहा हूँ और अभी बज रहे हैं 4:30 शाम के। तो दोस्तों आज अब बड़ा मस्त जगह जा रहे हैं, इधर से मैं जा रहा हूँ, उधर से मेरी वाइफ, उसके लुस्से बेबी के नाना नानी भी आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं सभी लोग। तो एक अच्छी जगह जा रहे हैं और बड़ा मस्त व्यू देखने को मिलेगा अभी शाम को। तो चलो फिर यार अभी चलते हैं। भाई फिलहाल तो अभी मैं बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ, तो चलो पहुँचने ही वाला हूँ। इधर बड़ी गजब की सुरक्षा वगैरह लगी हुई यार। भाई फिलहाल तो मैं इधर पहुँच गया हूँ, अभी मुझे उन लोगों को ढूँढना है, वैसे वो लोग भी इधर पास नहीं है। देख रहे हो अच्छी खासी भीड़ है यार, थोड़ी बहुत ला ला ला। वो अच्छे पर लाया था बाबा लिसियो। वाह से हेलो 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 गुड गॉड। चलो अब चलते हैं। यहाँ पे आईडी वगैरह चेकिंग वगैरह होगा ऐसा कुछ है पता ही होगा। मुझे मेरे यहाँ पे आईडी की जरूरत नहीं पड़ती, बात उधर आगे एक और गेट है वहाँ पर आईडी की जरूरत पड़ेगी ऐसा है भाई। तो चलो फिर हाँ भाई, अभी जो है वहाँ पे जाने के लिए देख रहा हो इतनी दूर वॉक करना पड़ा, आगे जो रेड लाइट है वहाँ पे जाना, बड़ा खतरनाक दूर है यार, बहुत ज़्यादा दूर है। फाइनली भाई रोड क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, अभी बहुत दूर फिर से वॉक करना है। हाँ बर्ड यहाँ पर देख रहा है सामने क्यों भीड़ लगा हुआ है पता है, सामने यहाँ पे टॉयलेट है ठीक है, तो टॉयलेट के लिए भीड़ लगे हुए यहाँ पे। सामने जो है ये वाइट बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो बीजिंग का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन था भाई, तो ये अभी यहाँ के रेलवे म्यूजियम बना हुआ है। ये तो पुलिस अच्छी खासी है, मतलब अच्छी खासी सिक्योरिटी लगी हुई इधर, क्योंकि ये जो है बीजिंग का मेन इलाका है ना, और ओल्ड बिल्डिंग ही इधर ये मेन ओल्ड बिल्डिंग था। और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं थिएनमेन। आज तो यहाँ पे वैसे भीड़ भाड़ नहीं है, आज तो बहुत कम भीड़ है, अगर 2-4-5 दिन पहले आते हैं इतनी भीड़ की मत पूछो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ की आर्मी देखो, देखो भाई हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं अभी। निशा जी जाओ चौबा 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 चौबा। भाई इस इलाका का नाम है थिएनमेन इसको। तो यहाँ पर जो है ना इतना दिख रहा है सजा हुआ है, ये अभी यहाँ पे चाइनीज नेशनल डे था ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हॉलीडे भी था एक सप्ताह का, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे पूरा सजा हुआ है बड़ा गजब का। यहाँ पर देख रहे हो बड़ा मस्त फ्लावर लगा रखे हैं इन लोगों ने, ये जो है फ्लावर जो है स्पेशली जो है अभी नेशनल डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पर लोग देख रहे हो इतने सारे लोग के मत पूछो भाई, बड़े गजब लोग हैं, बहुत सारे लोग। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था ये जो इलाका है अभी जहाँ पे हूँ इसको बोला जाता है थिएनमेन, यहीं पे परेड वगैरह होता है यहाँ का। और पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है इधर, उस वो वाली बिल्डिंग जो है ना यहाँ पे मीटिंग वगैरह होता है यहाँ की गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे होता है ठीक है। और पीछे एक और बिल्डिंग है, यहाँ पर स्तंभ है, पीछे इसके एक और बिल्डिंग है, वहाँ पर जो बोला जाता है यहाँ के जो पहले
राष्ट्रपति थे, क्या नाम है यार उसका, माओ, तो उसका जो है शरीर रखा हुआ बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इधर जो है पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है उसका तो मैंने बता दिया है, इसको बोला जाता है फॉरबिडन सिटी। इधर जाओगे आगे तो फिर फॉरबिडन सिटी है, बहुत बड़ा ये जो है इलाका है वहाँ पे, वहाँ भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले के जो यहाँ के राजा वगैरह थे वो वहीं पे रहते थे सबसे पहले वाले, वो हिस्टोरिकल प्लेस है ये। यहाँ पर जो है सामने दिख रहा है ना, ये यहाँ का लीडर था, नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी का लीडर था, ठीक है। ये अभी यहाँ पे नहीं रहते हैं, बोलते हैं कि ताइवान चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है ना अभी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसीलिए। अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, हाँ आराम से बैठ के अपना खा रही हो कुछ, पकड़िए आओ। ये जो पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है ये है एक समझो म्यूजियम जैसा है, अंदर कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का फर्स्ट चेयरमैन है ना माओ, क्या नाम था यार उसका, माओ से माजेदोंग था, उसका बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है बोलते हैं। चलो उसका फोटो दिखाता हूँ यहाँ से दिखे तो। ये जो बिल्डिंग है फॉरबिडन सिटी, उसके सामने फोटो लगा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा छोटा सा, तो वो है उसका पिक्चर, उसका बॉडी उधर पीछे रखा हुआ बोला जाता है। गाइस चलो फिलहाल तो फिनिश हो गया, यहाँ पे देख लिए जो देखना था। यहाँ पे स्पेशल जो है जो नेशनल डे रहता है यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम वगैरह रहता है, सब चीज़ परेड वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है। तो उस दिन तो हम लोग चले गए थे दूसरे सिटी, वो सब तो देखे नहीं, तो इसीलिए आज देखने के लिए आए थे यहाँ पे, जो सजावट हुआ हुआ है, फ्लावर लगे हों, वो सब देखने के लिए आए थे। और ज़ोर से भाग रही है, भाग रही है, भाग रही, भाग रही, ओ देख रहे हो। सामने जो है ओल्ड बीजिंग रेलवे स्टेशन था ये वाला, ये जो है छेन यांग गेट है, ये दोनों देख रहे हो। यहाँ का फैशन देख रहे हो भाई, कैसा फैशन है ये वाला। अभी यहाँ पे अंदर जाने के लिए भीड़ लग गई है, देखो हम लोग आए थे तो फिर इतनी भीड़ नहीं थे, यहाँ पे अभी भीड़ लगना शुरू हो गया है, देखो लाइन लगा हुआ है अच्छे से। दूसरा बाबा हेलो कहो, यो चलो भाई। अभी फिलहाल अब हम लोग पहुंच गए हैं छेन मन स्ट्रीट, ये वाला स्ट्रीट आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे बड़ा मस्त दिखता है अभी, देख रहे हो। तो यहीं पे अभी कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चों के लिए वैसे छोटे वाला रेलगाड़ी भी चलता था, आज पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, देख रहा हूँ। ये वाला स्ट्रीट जो है बड़ा ही फेमस है यहाँ पे, यहाँ पे मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के मिलती हैं, स्ट्रीट फूड जैसे, और बड़ा गजब टेस्टी भी रहता है। देखो लोग इतने सारे हैं कि मत पूछो, ये वाला स्ट्रीट बड़ा फेमस है भाई यहाँ पे। ये इसको जो है बीजिंग का जैसे ओल्ड स्ट्रीट भी कहा जाता है, तो यहाँ जो है पुराना बीजिंग के नाम से फेमस है वाली जगह, बहुत मतलब ये वाला जो है इलाका जो है ना पुराना बीजिंग ही था, मतलब मेन जो बीजिंग था वो इलाका है ये। यहाँ पर जो है आइसक्रीम के लिए बड़ी गजब की लंबी लाइन लगी है, यहाँ पर देख रहे हो चाइनीज मंकी वाला स्टाइल है, उसी से बना रहे हैं ये वाला सूट। यहाँ पे एक लड़की जो है चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस में भी है, देखो अपना खा रही है। ये वाला सूट देखो फ्रूट वाला जो है चाशनी में डाल के बनाए रहते हैं लोग। चलो भाई फाइनली पहुँच गए हमें जहाँ पे पहुँचना था, देख रहे हो इतने सारे लोग हैं कि मत पूछो। यहाँ इस वाले रेस्टोरेंट में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो यहाँ पे मिलता है पाउजा जो चाइनीज जो है उसके जैसा रहता है, देख रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो भाई ये पाउजा है, यहाँ पर है मीट का शायद नूडल्स है और पता नहीं क्या क्या है, मुझे भी नहीं पता।
नूडल्स वगैरह खा रहे हैं। मेरे लिए तो वेजिटेबल्स वाला है ही नहीं, ये जो है चाइनीज जो है मोमो जैसा है, तो नूडल्स ऑर्डर किए हैं, देखते हैं कितना टाइम में आता है। ये अपना अब खुद से खा रही है, मेरा नूडल्स आ गया भाई, देख रहा हूँ। इसके ऊपर मुझे ये टमाटर का जो है चटनी जैसे बना हुआ है इसको डालना है, ये सारे को डाल दिया मैं, इसको मिक्स करके खाना है। खाना पीना तो हो गया कंप्लीट, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं यार। इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था यार, मुझे तो पसंद ही नहीं आया, बट क्या करें, खा लिया। ले बाबा बाबा चल है वैसे भाई अपने से नीचे, कमा 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 ला। यहाँ पर देख रहे हो बर्ड कितना बड़ा मस्त बना रखे हैं लोग, आवाज भी करता है, ऐसा लग रहा है जैसे उड़ रहा है। यहाँ पे देखो मोम का पुतला बना हुआ है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिंदा आदमी है, इसने दाल पीस रहा है। इधर जो है मून केक वगैरह मिलता है यार, भाई फिर हाल अभी हम लोग पहुँचे हैं बस स्टेशन, बस पकड़ के जाएंगे घर। यहाँ पे एक महिला जो है अरे जोर जोर से बात कर रही है फ़ोन में, तो लुसिया भी उन्हीं को देख रही है अभी। बस में आ गए भाई, ये यहाँ से एंट्री है। हो गया, अब सामने जाके बैठना है। लुसिया बेबी जो है अपने से बैठे हैं और एकदम सपोर्ट करके पकड़े, देखो अपने से बैठने जा रही है, देख रहे चलो भाई फाइनली जो है घर पहुंचने वाले हैं। ये देख रहे हो गाइस, चलो यार फाइनली तो घर पहुंच गए हैं भाई, यहाँ बज गए हैं 9 वैसे तो। दोस्तों लुसिया बेबी तो अब सोने वाली है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।